जब आपकी तहरीक इंसाफ बनी है, उस वक्त मैं पाकिस्तान में था और आपने पूछा ये तो मैं बता देता हूँ सारों के सामने ही। और मैं वहाँ जमात अहमदिया पाकिस्तान का हेड था, नाज़िर आला था। उस वक्त इमरान खान साहब ने एक साहब को भेजा मेरे पास कि हम नई पार्टी बन रहे हैं, हमें अब नए इलेक्शन में वोट दें। हमने कहा ठीक है, आप बड़े इंसाफ पसंद हैं, अल्लाह ताला वो कामयाब करे। और जहाँ तक वोट का सवाल है, हमारे पास तो वोट है। कहा नहीं, आप दें तो आइंदा फिर हम असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका हक होगा। मैंने कहा एक पहली बात तो ये है कि किसी को इतनी ज़रूरत ही नहीं है मौलवी के खौफ से कि इस कानून को रिपील करे। आप रिपील नहीं कर सकते इस जो कानून बन चुका है, राइट। दूसरे ये है कि पहले आप असेंबली में आएँ, आपकी आवाज़ हम सुनेंगे, देखेंगे कुछ है भी तब तो हम वोट देंगे। हमने तो आप तो तजर्बा करना है पॉलिटिशियन को पहले। हमें क्या पता, भुट्टो साहब को हमने वोट दिया था, उन्होंने हमें गैर मुस्लिम बना दिया है? जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लियरली फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। किस किस पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि जो कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, किसी पार्टी का है? लेकिन वो तो पावर में हो के कर रहे हैं। फिर आप भी पावर में आएंगे तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, जब आपने इंसाफ किया तो हम अगला वोट आपको दे देंगे।